Srikar, welcome back to my channel Study Made Easy with Harin Kaur. This is second part of development, and in this video we will discuss about two topics. First, how to compare different countries or states. Second, income and other criteria. So without any delay, let's begin. Is how to compare different countries or states. We will understand this topic by an example. So while comparing persons, usually we take their one or more important characteristics. जब भी हम persons को compare करते हैं, लोगों को compare करते हैं, तो हम उनकी एक या एक से ज़्यादा important characteristics को देखते हैं. Suppose हमें दो लोगों को compare करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. जैसे मान लो एक लड़का है दूसरे लड़की, तो हम एक उनका ये कंपैरिजन का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. सेकंड की मतलब उनकी हाइट कैसी है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका टैलेंट कैसा है, उनका इंटरेस्ट कैसा है, एट्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पर्सन को कंपेयर कर सकते हैं. बट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी आउट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. Country with higher income is more developed than the other with less income. लेकिन जब हम country को compare करते हैं, तो हम उनकी income को देखते हैं. जिस country की ज़्यादा income होगी, वो दूसरी country से ज़्यादा developed होगी. तो income जो है, ज़्यादा income होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा goal है. Now, what is the income of a country? अब एक country की income होती क्या है? The income of the country is the income of all the residents of a country. Country में जितने भी citizens रहते हैं, उन सब citizens की income country की income के equal होगी. India में जितने भी citizens हैं, उन सब citizens की income India की income के equal होगी. अब जो एक citizen की income होती है, एक नागरिक की जो income होती है, वो उसको हम average income कहते हैं, एंड पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. इनकम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री. अगर हमें एक पर्सन की इनकम निकालनी है, तो जितनी कंट्री की इनकम होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं जितनी कंट्री की पॉपुलेशन होती है. सो इनकम ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. तो यहाँ पे हमने पढ़ा हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. सेकेंड टॉपिक इज इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. जब हम इंडिविजुअल के गोल्स देखते हैं, जब हम अलग अलग लोगों के गोल्स देखते हैं, तो उनको इनकम के साथ साथ बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं. जैसे कि उन वो इनकम के साथ हम अपनी रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम भी देखते हैं. सिमिलरली किसी कंट्री में इनकम के साथ साथ रिस्पेक्ट, वहाँ उस कंट्री में रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं. इसको हम समझेंगे फॉर एग्जाम्पल. सो 2015 से 2016 के बीच में पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक सिटीजन की इनकम हरियाणा में 1,62,034 थी, केरला में 1,40,190 थी एंड बिहार में 32,454 थी. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हरियाणा में, सबसे कम फिर उससे कम केरला में और सबसे कम बिहार में. नाउ इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट. इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट का मतलब होता है कि एक साल में जितने बच्चों का बर्थ हो रहा है, तो उन बच्चों में से अगर हम 1,000 का ग्रुप बनाएं, तो उस 1,000 बच्चों के ग्रुप में से जिन बच्चों की 1 ईयर से कम में ही डेथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट. तो 2016 के अकॉर्डिंग हरियाणा में इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट 33 है, केरला में 10 है एंड बिहार में 38 है. तो सबसे ज़्यादा बिहार में है एंड सबसे कम केरला में. नाउ सेकेंड, लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि 7 ईयर और 7 ईयर से ज़्यादा के कितने लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट. तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में 82% एंड केरला में 94% एंड बिहार में 62%.
लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला में है। केरला में इनकम भले ही कम है लेकिन लिटरेसी रेट लिटरेसी रेट ज़्यादा है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम है। नाउ नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंसी रेशियो। नेट अटेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है कि 14 से 15 ईयर के एज ग्रुप में जितने पर्संस स्कूल जा रहे हैं उनको बोलते हैं, तो उसे हम कहेंगे नेट अटेंडेंसी रेशियो। तो 2013 टू 2014 के अकॉर्डिंग हरियाणा में 61 पर्संस जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं एंड केरला में 83 पर्संस एंड बिहार भी 43 पर्संस। तो केरला में भले ही इनकम कम है लेकिन लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है एंड IMR इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कम है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सिर्फ इनकम ही कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सपोज़ कोई कंट्री है जिस कंट्री में इनकम तो बहुत है लेकिन ना ही तो वहाँ पे लिटरेसी रेट है, ना ही तो वहाँ पे नेट अटेंडेंसी रेशियो है, तो उस कंट्री को हम डेवलप नहीं करेंगे। अब कोई कंट्री है जहाँ पे इनकम तो ज़्यादा है लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे लिटरेसी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कम है एंड नेट अटेंडेंसी रेशियो भी ज़्यादा है, तो वो कंट्री होगी डेवलप। इनकम के साथ साथ अगर बाकी के क्राइटेरियाज में भी वो कंट्रीज में इंक्रीजमेंट है तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी। सो दिस फिनिशेस द टॉपिक्स, दिस फिनिशेस द वीडियो। Hope you guys like it. If this video is helpful for you, then share it with your friends and tell me your opinions in comment section. And for getting more videos, subscribe to my channel and press the bell icon also for getting notifications of all the videos. And thank you so much for watching the video.